नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुरतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महारण 2024 की पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पहाड़ में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। यहां रुद्रप्रयाग में पीएम जनसभा करेंगे। वहीं 3 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी देवभूमि का कार्यक्रम है, दौरे का यहां पर सिलसिला रहने वाला है। वह पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर के पहाड़ में जोरों पर तैयारियां चल रही है। जो प्रशासन है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगातार जुटा हुआ है। 2 अप्रैल यानी कि कल प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है और पहाड़ पहुंचेंगे, और ऐसे में देवभूमि वासियों को यहां महारण 2024 को लेकर संबोधित भी करने वाले हैं। अभी तक के हिसाब से हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 तारीख की एक बड़ी सभा जो करने को मिली है रुद्रपुर में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि अधिक से अधिक लाखों की संख्या में रुद्रपुर में 2 तारीख को लोग पहुंचे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमें मिला है, और आगे के लिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का एक एक कार्यक्रम, एक एक रैली हमको मिले, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी संभव होगा, प्रधानमंत्री जी जहां जहां कार्यक्रम देंगे वो सभी कार्यक्रम सफल कार्यक्रम उत्तराखंड में होंगे, ऐसे पार्टी का सोचना भी है, पार्टी काम भी कर रही है। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता मुमताज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मुमताज, देखिए अब वो तारीख बेहद नजदीक है, मतदान का दिन बेहद अब करीब है, ऐसे में अब चुनावी जो प्रचार प्रसार है उन्हें सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं धार देने में जुटी हुई है। बीजेपी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 2 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं, देवभूमि का दौरा उनका रहने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है रैलियां लगवाने में लगी पड़ी है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भाजपा है और जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा जो है पूरी तरीके से जोर शोर से जुटी हुई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो कल जो है रुद्रपुर जो है उनका दौरा है, और जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। वहीं बताते चले कि जो है नैनीताल और लोकसभा चुनाव जो लोकसभा जो क्षेत्र है उससे यहाँ पर रुद्रपुर के जो मैदान है, गांधी मैदान, जो उसमें लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 1 से 2 लाख लोगों का होने की उम्मीद बताई जा रही है। अभी आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर और तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। और जो आज जो है दोपहर 2 बजे तक जो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा की एजेंसियां जो होती हैं वो दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। जी बिल्कुल मुमताज, आपने जानकारी दी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, हम ग्राफिक्स भी प्ले कर रहे थे दर्शकों के लिए, जहां पर हमने दिखाया कि किस तरीके से 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए उसके बाद से कब कब उनका पहाड़ का दौरा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई ऐसे पटलों पर कहा है कि प्रधानमंत्री का जो विशेष लगाव पहाड़ से, देवभूमि से है, उसका ही नतीजा है कि यहां पर जनता को भरोसा है बीजेपी पर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 17वां दौरा है, और अगर उधम सिंह नगर जनपद की बात की जाए तो ये उनका 3री बार का दौरा है, जो कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी जो है इस मोदी जी के चेहरे पर जो है पूरा चुनाव लड़ रही है, और धामी जी जो है पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नक्शे कदम है उन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है अभी 2 दिन पूर्व भी जो है सभा जो नरेंद्र मोदी जी की जो एफसीआई गोदाम के सामने यानी मोदी मैदान में जो सभा आयोजित हो रही है उसका बारीकी से निरीक्षण भी करने आए थे, और कार्यकर्ताओं से जो है उन्होंने संपर्क साधा और जो है उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कहीं ना कहीं ये माना जाए तो 3 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, वो भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे, चुनावी हुंकार वो भी भरेंगे, ऐसे में उनके दौरे को लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है अपने प्रत्याशियों जो 5ों सीट है लोकसभा की, जो 5ों सीट है भाजपा जो है
इनको जो है अपने पक्ष में पूरी तरीके से लेने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक हैं उनको पूरी तरीके से जो है मैदान में उतार चुकी है और भाजपा जो है विपक्ष को जो है बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं जो है जो रैली है उनकी जो प्रस्तावित रैली है उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा जो है इस समय जो है स्टार प्रचारकों को लेकर काफी जो है विपक्ष पर आक्रामक भी है और पूरी तरीके से जो है चुनावी यानी कि मुमताज देखा जाए तो जीत के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं।